Good evening, friends. I'm Colonel Pathani and I welcome you on this episode. जैसा आपको पता है कि हम इस चैनल पे मोटिवेशन चैनल पे जो आपसे बात करते हैं दैट इज़ बेसिकली रिलेटेड विद द करंट टॉपिक्स देन वी टॉक अबाउट वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ मोटिवेशन एंड लीडरशिप. एम इज़ वेरी सिंपल एंड दैट इज़ टू एम्पावर यूथ. हमारी जो आर्मी है, हमारी जो आर्म फोर्सेस है, इनके अंदर बहुत से ऐसे शूरवीर हैं जिन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान किया और देश की सुरक्षा और संप्रभुता की रक्षा की. हम इस प्रोग्राम में, इस चैनल में आपको जो ब्रेवेस्ट ब्रेव्स हैं, परमवीर चक्र, उनके बारे में आपसे बात करते रहते हैं. और आज हम बात करेंगे उसी सीरीज़ में एक शूरवीर की जिनका नाम है गुरबचन सिंह सलारिया. ही इज़ द फर्स्ट रिसिपिएंट ऑफ PVC इन ए यूनाइटेड नेशन मिशन. कैप्टन गुरबचन सिंह सलारिया वॉज बॉर्न इन शकरगढ़ इन पाकिस्तान एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस दे शिफ्टेड टू गुरदासपुर. ही इज़ ए एल्यूमिनस ऑफ, इन्होंने अपनी जो पढ़ाई थी वो की थी राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज में और उसके बाद नेशनल डिफेंस अकेडमी से ये कमीशन हुए 1961 में. भारत से एक ब्रिगेड भेजा गया कॉन्गो में, वहाँ पे रेबेलियन को करने के लिए, उनसे निपटने के लिए, और ये उस फोर्स का हिस्सा थे. 5 दिसंबर 1961, कैप्टन सलारिया वॉज गिवन द टास्क अलॉन्ग विद हिज कंपनी टू क्लियर ए आर्मर्ड रोड ब्लॉक जो कि एलिजाबेथ एयरपोर्ट और इनका जो UN हेडक्वार्टर था एलिजाबेथ विले में, वो रेबल ने उसको ब्लॉक कर रखा था. एंड उनका जो एम था कि वो आहिस्ता आहिस्ते जो एलिजाबेथ विले सिटी है उसको एनसर्कल करके UN हेडक्वार्टर को कैप्चर करें. तो तकरीबन 1500 बजे दोपहर में जब ये इन्होंने देखा कि वहाँ पे रोड ब्लॉक था, ये अपनी प्लाटून को लीड कर रहे थे, तो उस रोड ब्लॉक में तकरीबन 90 रेबल्स अपनी 2 आर्मर्ड कार के साथ वहाँ पे उस जगह को रोक के बैठे थे. अभी कैप्टन सलारिया ने ये देखा कि अगर इनको ज़्यादा टाइम दिया गया तो ये जो इनको कट ऑफ करना, इनको डिफीट करना मुश्किल हो जाएगा, तो उन्होंने RL से और उनके जो दोनों आर्मर्ड कार थी उसको डिस्ट्रॉय कर दिया. उसके बाद इनके पास तकरीबन एक प्लाटून स्ट्रेंथ थी जिसमें 26 या 27 लोग थे. तो बिफोर द रेबल्स कुड गेट देमसेल्फ रीऑर्गेनाइज्ड, इन्होंने उसके ऊपर खुखरी असॉल्ट करते हुए तकरीबन 40 रेबल को मौत के घाट उतार दिया. ड्यूरिंग दिस बैटल कैप्टन गुरबचन सिंह सलारिया ही गॉट अ 2 bullets wound in his neck. What he continued leading his men, but finally he attained the martyrdom on the same day. अभी इस की वजह से जो बटालियन को, उनको रेबल को, because rebels started, you know, they were confused and they started fleeing. तो जब उन्होंने भागना शुरू कर दिया तो बटालियन को बड़ी आसानी से उनको डिफीट करने में मदद मिली और वो जो रोड ब्लॉक था वो क्लियर हो गया. कैप्टन सलारिया को इसके लिए, उनकी शूरवीरता के लिए, उनकी हिम्मत के लिए, उनके डेडिकेशन के लिए एंड द कॉल अटर डिसरिगार्ड टू हिज पर्सनल सेफ्टी इन द हाईएस्ट ट्रेडिशन ऑफ इंडियन आर्मी, ही वाज अवार्डेड विद द हाईएस्ट अवार्ड ऑफ आवर नेशन दैट इज परमवीर चक्र इन 61. अभी नोट करने वाली बात यह है कि उस समय कैप्टन गुरबचन सलारिया की उम्र सिर्फ 26 साल थी. तो हम ऐसे शहीदों को सैल्यूट करते हैं. वो एक शेर मेरे को याद आ रहा है कि वतन शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मरने वालों का यही नामो निशा होगा. तो ये ज़रूरी है कि हम इनसे इंस्पिरेशन लें
और अपने देश की सुरक्षा में अगर ज़रूरत पड़ती है तो अपनी जान की बाजी लगाने में भी ना हिचके। दोस्तों, मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप इस जो हमारा लक्ष्य है एम्पावरमेंट ऑफ यूथ, उसमें हमारा साथ दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड से भी रिक्वेस्ट करें कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपको ये जो ब्रेवेस्ट ऑफ ब्रेव सीरीज़ की हम बात करते हैं, इसके अंदर तकरीबन हम 5 शूरवीरों को कवर कर चुके हैं। और बाकी, जैसे आपको पता ही होगा कि हमारे इंडिया में टोटल 21 पदवी चक्र हैं, जिसमें 20 आर्मी के हैं और 1 एयरफोर्स के हैं। तो आपसे मिलेंगे फिर इस ब्रेक के बाद। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।